गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो जैसे कि अपना जो ई काउंसलिंग का प्रोसेस था वो अब कल हो गया है कंप्लीट, ठीक है। तो आपने सबने ई काउंसलिंग कर दी होगी, ठीक है। अब देखो ई काउंसलिंग के बाद आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, मेनली डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ आज अपन बात करने वाले हैं कि आपको सैनिक स्कूल में जब आप एडमिशन लोगे तो किस कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि अभी देखो 10 से 15 दिन लग जाएंगे जो ई काउंसलिंग का रिजल्ट वो शो करेंगे, उसके बीच में आपको अब 10-15 दिन का टाइम है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं है तो आप वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लो, ठीक है, ताकि जैसे ही आप एडमिशन लेने जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि ई काउंसलिंग की प्रोसेस के बाद जैसे ही आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है तो उसके बाद आपका मेडिकल होगा, ठीक है, एंड देन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो उसके बीच में टाइम नहीं मिलेगा। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई दिक्कत रहेगी या कोई अनकम्प्लीट रहेगा तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स पहले ही रेडी कर लेने हैं। तो देखो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं वो मैं बता देता हूँ, जितना मेरे को पता है उतना ही मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने की। बाकी आपको जो आपका जो कॉल लेटर आएगा सैनिक स्कूल की तरफ से, आपको जो सीट अलॉट हो जाएगी उसके बाद आपके पास एक कॉल लेटर आएगा, उस कॉल लेटर के अंदर पूरा मेंशन किया हुआ रहेगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। एंड जैसे कास्ट वगैरह इनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनका जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट भी आएगा, ठीक है, कि किस फॉर्मेट के अंदर आपको तैयार करना है। वैसे आप अभी जो आपके जो सेंटर के होते हैं वो आपको तैयार करना है, ठीक है। तो आज अपन बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स बारे, इससे पहले अपन बात करते हैं प्रोसेस की। तो प्रोसेस में देखो ई काउंसलिंग आपने कर दिया है, सबने पढ़ दिया होगा स्कूल्स वगैरह न्यू सैनिक स्कूल वगैरह सबने, ठीक है। तो अब ई काउंसलिंग हो चुकी है, अब क्या होगा कि जैसे ही काउंसलिंग कंप्लीट होगी और वो एक रिजल्ट शो करेंगे, ठीक है, तो वहां आपको क्या होगा कि आपको वहां चॉइस करना है कि आपको जो स्कूल मिला है आप उससे क्विट करना चाहते हैं या उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अगर आप उसको क्विट कर जाओगे तब तो क्या आप सेकंड राउंड में फिर से अप्लाई करोगे, ठीक है, मतलब अगर करना चाहते हो तो आप सेकंड राउंड में फिर से अप्लाई करोगे, मतलब जो आपको स्कूल मिलेगा, ठीक है, आपको अगर वो पसंद नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे उसको इस काउंसलिंग को क्विट कर सकते हो और आप सेकंड में फिर से चांस दे सकते हो। लेकिन अगर आपने सीट को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, वहां आप जैसे ही एक्सेप्ट करोगे उसके बाद क्या होगा कि उस सैनिक स्कूल से आपके पास क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ आप जैसे उस चीज को एक्सेप्ट करोगे आपके पास क्या आएगा कि कॉल लेटर आएगा सैनिक स्कूल की तरफ से, और उस कॉल लेटर के अंदर ही मेंशन किया हुआ होगा कि आपका जो मेडिकल होगा वो किस जगह पे होगा, ठीक है, एंड किस डेट को होगा, कब आपको वहां पे पहुंचना है, ठीक है, वो सारी डिटेल उस कॉल लेटर के अंदर होगी। एंड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी आएगी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा, मेडिकल होगा। तो मेडिकल आपका ऐसा नहीं है कि जैसे आप जहां रहते हो वहां किसी हॉस्पिटल से आप मेडिकल करवा के ले जाके वहां दे दो, ऐसा नहीं होगा। वहां वो खुद से बताएंगे कि आपको कौन से एरिया की या कौन से जो हॉस्पिटल है वहां पे मेडिकल करवाना है, ठीक है, वो उनके खुद के स्टैंडर्ड होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको उस क्वालिटी के अंदर बताएंगे, बाकी अभी मैं भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स रेडी करके लेके जाने हैं सारे, ठीक है। उसके बाद होगा पेमेंट ऑफिस, जैसे आप उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आप स्कूल जाओगे तो वहां आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एंड वहां का जो प्रिंसिपल है वो आपको सारे इंस्ट्रक्शंस बताएगा कि आगे की प्रोसेस के आपको किस तरीके से करना है, क्या रहना है, क्या लेके आना है, क्या नहीं, एंड देन आप क्या करोगे ज्वाइन कर लोगे सैनिक स्कूल, ठीक है। तो ये आपका एक प्रोसेस रहेगा कि इस प्रोसेस से आपको देखना है कि किस तरीके से। आज अपन मेनली बात करेंगे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ठीक है। बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की कि आपको जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जाओगे तब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ठीक है। अपन ने इससे पहले प्रोसेस देख लिया है कि किस प्रोसेस से आपका होगा, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स में देखो आपको क्या क्या चाहिए होगा, एक तो एडमिट कार्ड चाहिए होगा जो आपको एक एडमिट कार्ड लेके जाना है, सेकेंड आपको स्कोर कार्ड जो आपका अभी स्कोर कार्ड आया है, ठीक है, तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है एंड ये स्कोर कार्ड लेके जाना है। थर्ड चीज चाहिए होगी अपने को कॉल लेटर बाय द स्कूल, मतलब जैसे ही आप स्कूल को मैंने बताया था पिछले कि एक्सेप्ट करोगे आपके पास एक कॉल लेटर आएगा उसी स्कूल की तरफ से जहां आपका सिलेक्शन हुआ है उसी स्कूल की तरफ से आपके पास क्या आएगा, कॉल लेटर आएगा। तो थर्ड चीज आपको वो लेके जानी है कॉल लेटर। फोर्थ है आधार कार्ड, तो आपका जो ओरिजिनल आधार कार्ड है वो लेके जाना है, ठीक है, एंड उनकी फोटोकॉपी, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है इनकी ओरिजिनल और साथ में इनकी एक फोटोकॉपी भी लेके जानी है, ठीक है। इसके साथ आपको क्या चाहिए होगा, डेट ऑफ बर्थ ऑफ द सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपने जो फॉर्म में डेट भरी है
उसी डेट का सेव कर डेट ऑफ बर्थ, कहीं आप चेंज करवा के ले जाओ ऐसा मत कर लेना, क्योंकि इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको लेके जाना है डोमिसाइल ऑफ द सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका डोमिसाइल, क्योंकि आपको अगर होम स्टेट मिलता है, ठीक है, तो होम स्टेट उसी कंडीशन में मिलता है तो आपको उस स्टेट का आपके पास क्या हो, डोमिसाइल हो। ठीक है, एंड या फिर जैसे आप अदर स्टेट की सीट पे जाते हो तब भी आपको मतलब डोमिसाइल से ही वो चीज पाती है कि आप कौन से स्टेट के हो, तो आपको उसी होम स्टेट की सीट मिली है या फिर अदर स्टेट की। ठीक है, तो डोमिसाइल आपको पहले ही अभी रेडी करवा लेना है, क्योंकि इसमें 8 से 10 दिन लग जाते हैं इसको रेडी करवाने में भी। ठीक है, तो ये चीज आप अभी तैयार करवा लीजिए। नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये कास्ट जो सर्टिफिकेट है ये भी आपको अभी तैयार करवा लेना है। ये आपको देखो कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा ये आपको चाहिए होगा सेंटर का। ठीक है, मतलब सेंटर की लिस्ट में होना चाहिए, कब, जब आपने फॉर्म भरा था उस टाइम पे, मतलब जो आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा ये जब आपने फॉर्म भरा था उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए, मतलब उस टाइम पे आप उसमें लिस्टेड होने चाहिए। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। एंड इसका जो एक फॉर्मेट के अंदर और वो बनवाएंगे, ठीक है, वो तो उस टाइम पे फॉर्मेट आएगा जिसको आपको फिल करके आपको उसमें लिखा हुआ रहेगा, तो वहां से आपको बस रजिस्टर के द्वारा उसको साइन करवाके और वो लेके जाना है। लेकिन अभी आपको क्या सेंटर का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो तैयार करना है। उसके बाद आता है इनकम सर्टिफिकेट। तो देखो ये आपको अभी तो वैसे नीचे ही होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, बट जब आपका एडमिशन हो जाएगा एंड जो स्कॉलरशिप वाला जो है कि स्टेट गवर्नमेंट आपको अगर स्कॉलरशिप देती है तो उस टाइम पे आपके पास क्या मांगा जाएगा, आपसे इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। कि अगर आप स्कॉलरशिप लेते हो वो तो खैर जैसे स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक, वैसे तो मिलती है सभी स्टेट्स में, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट तो आपको देती है स्कॉलरशिप तो वहाँ आपको इनकम वाला आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो ये भी आप अभी तैयार करवा लीजिए। एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो कि आप जब मेडिकल अगर करवाओगे तो मेडिकल करने जो भी करेगा वो आपको एक सर्टिफिकेट तैयार करके देगा कि ये बिल्कुल रेडी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं। एंड आपको 7 से 8 पासपोर्ट साइज की आपकी फोटो भी चाहिए होगी लेटेस्ट, या तो लेटेस्ट आप बनवा लीजिए वैसे तो बन जाती है, या फिर क्या कर सकते हो आप, आपने जो फॉर्म के टाइम पे आपने जो फोटोज लगाई थी वो फोटोज भी हो तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब आपने फॉर्म फिल किया था तब भी आपके पास आया था कि ये फोटो ज्यादा बनवा लेना है, क्योंकि आपको आगे की प्रोसेस के लिए सेम फोटो लगानी है। बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपके पास अगर वो फोटो नहीं है तो आप लेटेस्ट फोटो बनवा सकते हो। तो 8 से 10 आपको पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए होगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने देख ली होंगे, जैसे आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और ये आपको बिल्कुल रेडी कर लेने हैं जब तक कि आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस होती है, आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। एंड जैसे ही आपका ये रिजल्ट आएगा मैं आपके लिए फिर से लेके आऊंगा वीडियो, एंड अपन सारी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। ओके, थैंक यू।